Good morning, students. Today I am here to give you some tips for your reading exam. Whenever you are reading, the first thing is your loudness. You should be loud enough so that the one who is hearing you can listen to you. ठीक है, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमें लाउडली रीड करना है सो दैट जो हमें सुन रहा है वो हमें क्लियरली सुन सके. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज योर माउथ शुड, यू शुड ओपन योर माउथ एंड स्पीक. इफ आई एम स्पीकिंग दिस वे, ओके चिल्ड्रेन यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट. देखो मैम क्या कर रही है, मैम अपना माउथ ओपन नहीं कर रही है. सो इफ मैम इज नॉट ओपनिंग हर माउथ देन यू विल नॉट बी एबल टू हेयर वॉट मैम इज सेइंग. सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग यू शुड ओपन योर माउथ नाइसली एंड यू शुड स्पीक लाउडली. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन रीडिंग योर वॉइस मॉड्यूलेशन मैटर्स अलॉट. योर वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स आप कभी तेज बोलोगे कभी धीमा बोलोगे. जब आप कहीं पे हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपका वॉइस उस तरह से मॉड्यूलेट होना चाहिए. जब आप सैडनेस, कहीं पे कोई सैड लाइन रीड कर रहे हो सो आपके अंदर वो चीज़ दिखनी चाहिए. जब आप रीडिंग कर रहे हो देन इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर रीडिंग. वाई डू वी लाइक सॉन्ग्स? यू लाइक सॉन्ग्स बिकॉज जब सॉन्ग्स जो सिंग करता है, द सिंगर हु सिंग्स द सॉन्ग्स, देयर इज फीलिंग इन द सॉन्ग्स. यस, सो दैट फीलिंग शुड बी देयर इन यू ऑल्सो वेन यू आर डूइंग द रीडिंग. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग बेटा, कॉन्फिडेंस. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ वाइल रीडिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर प्रोनंसिएशन. So you should take care of this that you are pronouncing the words correctly. Whatever you are reading should be read in with correct pronunciation. Okay, and the last thing is the fluency. Fluency means जब आप read करते हो ना तो ये चीज़ हरदम mind में रखना that अगर आप word by word read कर रहे हो, अगर आप जब रीडिंग करते हो तो अगर आप वर्ड बाय वर्ड रीड करते हो तो फ्लुएंसी नहीं आती है. व्हाट वी शुड डू इज दैट जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आप फ्लो में रीड करो, वर्ड टू वर्ड नहीं रीड करो. अगर मैं वर्ड टू वर्ड रीड करूँगी माला डेट नॉट आंसर, इट्स नॉट अ गुड रीडिंग स्टाइल. हाउ शैल यू रीड माला डिड नॉट आंसर? तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लो में रीड किया. ओके, सो नाउ मैम इज गोइंग टू रीड अ पैराग्राफ फॉर यू एंड जस्ट लिसन हाउ मैम इज गोइंग टू रीड इट. ओके, ओके चिल्ड्रेन, व्हेन यू आर रीडिंग देन ट्राई टू टेक अ पेंसिल और पेन इन योर हैंड और यू कैन इवन कीप योर फिंगर्स ऑल्सो. ओके, सो दैट यू डोंट मिस एनी लाइन. Okay, so like ma'am is having a pen in her hand and ma'am will start reading. Daddy had been transferred and it was to be my first day at new school. I was reluctant to go because I had no friends there. I was still dawdling over breakfast when I heard my mother shout, "What's the matter with you, Anu? You will miss the bus." Ma, my leg. Now see children, अब क्या हुआ, मैम ने आपको बताया था योर वॉइस मॉड्यूलेशन शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो व्हेन आई वॉज रीडिंग यू कुड हैव नोटिस्ड दैट रिलक्टेंट, मैम ने रिलक्टेंट वर्ड कैसे बोला, मैम ने रिलक्टेंट वर्ड बहुत ही फोर्स के साथ बोला. आई वॉज रिलक्टेंट टू गो बिकॉज, यस, देन see here it is written I heard my mother shout. So आपको पता चल गया कि अब जो लाइन आने वाली है उसमें शाउटिंग होने वाली है, उसकी मदर उसके ऊपर शाउट करने वाली है, तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन वहाँ पे उस हिसाब से चेंज हो जाएगा. एंड एज इट इज़ अ क्वेश्चन सो यू विल रीड इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, व्हाट्स द मैटर विथ यू अनु. अगर आप ऐसे रीड करते व्हाट्स द मैटर विथ यू अनु, Is it right?
No, how shall we read? We will read. What's the matter with you, Anu? So, this is how you are supposed to read. So, now have you seen how are we supposed to read? So, beta, follow the tips and all the best for your reading exam.